हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू द ब्यूटीफुल माइंड क्लासेस। तो आज की क्लास में जो है एक्सरसाइज 7.3 का प्रॉब्लम फर्स्ट सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रॉब्लम फर्स्ट में क्या कह रहा है। राइट द फ्रैक्शंस, आर ऑल दिस फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, यानी कि यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन दिखाया गया है फिगर के माध्यम से और पूछ रहा है कि क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो आइए देखते हैं कि इसका फिगर ए में देख लीजिए, एक सर्कल दे रखा है जिसको टू पार्ट में डिवाइड करके वन पार्ट को शेडेड कर दिया है, और ए में सेकेंड फिगर है जिसमें सर्कल को फोर पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कितने पार्टों में? फोर पार्ट में, जिसका टू पार्ट शेडेड है। इसका फिगर थर्ड है जिसमें सर्कल को सिक्स पार्ट में डिवाइड कर दिया है। क्या किया है? सिक्स पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फ्रैक्शन में क्या होता है, अगर किसी पार्ट को हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? हमेशा इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सिक्स पार्ट में जैसे जे सिक्स पार्ट में से थ्री पार्ट इसका शेडेड है। क्या है? सिक्स पार्ट में से थ्री पार्ट शेडेड है। और यही फिगर फोर्थ है इसका, जिसको जिसमें सर्कल को एट पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और एट पार्ट का जो है फोर पार्ट शेडेड है। क्या है? एट पार्ट में से फोर पार्ट शेडेड है। तो फिगर फर्स्ट का जो फ्रैक्शन निकल के आ रहा है, इसका फ्रैक्शन हो रहा है 1/2, और सेकेंड का जो फ्रैक्शन निकल के आ रहा है वो हो रहा है 2/4, और थर्ड का फ्रैक्शन निकल के आ रहा है वो 3/6, क्योंकि इसमें सिक्स में से थ्री पार्ट शेडेड है। और यहीं फोर्थ का फ्रैक्शन जो आ रहा है वो है 4/8, यानी कि एट पार्ट में से फोर पार्ट शेडेड है। तो इसको इस सब को अगर कट करके लिखते हैं तो किस फॉर्म में आता है, यानी कि 1/2 का जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा? 2/4 भी हो सकता है, 3/6 भी हो सकता है, 4/8 भी हो सकता है, क्योंकि इस सबको कट जो करते हैं तो 2 × 4 यानी कि 1/2, 3 × 6 यानी कि 1/2, 4/8 यानी कि 4 × 8 तो 1/2। तो ये सभी जो है 1/2 के फॉर्म में आ रहा है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। और यहीं इसका फिगर सेकेंड देख लीजिए, यानी कि बी, इसमें दे रखा है एक बॉक्स दे रखा है जिसमें 12 वॉल्व है। कितना है? 12 वॉल्व है। अब 12 वॉल्व में से जो है इसका फोर पार्ट शेडेड है, फोर वॉल्व जो है शेडेड है और एट वॉल्व अनशेडेड है। तो इसका फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन आ जाएगा 4/12। फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? 4/12, यानी कि 12 वॉल्व में से जो है फोर शेडेड है और एट अनशेडेड है। इसका फिगर सेकेंड देख लीजिए, इसमें अभी एक बॉक्स दे रखा है जिसमें कुल 9 वॉल्व है। कितना है? 9 है। 9 में से शेडेड कितना है? 3 शेडेड है और 6 अनशेडेड है। क्या? 3 शेडेड है और 6 अनशेडेड है। तो इसका फ्रैक्शन निकल के क्या आ रहा है? 3/9। क्या आ रहा है? 3/9। अब इसका सेकेंड थर्ड नंबर देख लीजिए, थर्ड फिगर क्या है? इसमें भी एक सर्क बॉक्स दे रखा है जिसमें जिसमें 6 वॉल्व है। कितना है? 6 वॉल्व है। 6 वॉल्व में से इसका 2 पार्ट शेडेड है और 4 पार्ट अनशेडेड है, यानी कि इसका फ्रैक्शन हो जा रहा है 2/6। क्या हो जा रहा है? 2/6। यहीं इसका फिगर फोर्थ एंड फिफ्थ देखिए, यहाँ पे भी एक बॉक्स है जिसमें मात्र 3 वॉल्व है। कितना है? 3 है, जिसमें से 1 शेडेड है। तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/3। और फोर्थ है जिसमें 15 वॉल्व है। कितना है? फोर्थ में 15 वॉल्व है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब 15 वॉल्व में से जो है इसमें 6 वॉल्व शेडेड है। कितना? 6 वॉल्व शेडेड है और 9 वॉल्व अनशेडेड है। तो इसका फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन आ जाएगा 6/15।
अब यहाँ भी मुझे देखना होगा कि क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, तो वह कैसे समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4/12 है, 4/12 को अगर कट कर रहे हैं तो किस फॉर्म में आ रहा है, 1/3, क्योंकि 4 3 12 और सेकेंड में देखिए 3/9 है, इसको कट करते हैं तो ये भी 1/3 के फॉर्म में आता है। थर्ड 2/6 यानी कि इसको भी कट करते हैं तो 1/3 के फॉर्म में आ रहा है। फोर्थ तो है ही 1/3 के फॉर्म में, और फिफ्थ को देखना होगा कि क्या फिफ्थ भी 1/3 के फॉर्म में है। अगर 1/3 के फॉर्म में आ गया तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, और अगर नहीं आया तो ये सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा। तो अगर 6/15 को कट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 3/5 के फॉर्म में आ जाएगा, सॉरी 2/5 के फॉर्म में आ जाएगा, 2/5 के फॉर्म में, जो कि इन सभी संख्या के बराबर नहीं है, यानी कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोग इजीली समझ सकते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है, क्योंकि एक फ्रैक्शन का जो है गिवन फ्रैक्शन का अनंत इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे वही फाइंड करना था कि क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। तो इस तरह से अधिक वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल द ब्यूटीफुल माइंड को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि बेल बटन को भी ज़रूर दबाएँ। ओके बाय।